परे जाने की लालसा विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार में होती है। अगर ऊर्जा विशुद्धि में चली जाती है तो आप बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। अगर ऊर्जा सहस्रार में पहुंच जाती है तो आप बस यूं ही परमानंद में रहते हैं। आज्ञा को तीसरी आंख कहा जाता है। जब ऊर्जा आज्ञा को छूती है तो आपको बौद्धिक रूप से बोध प्राप्त हो जाता है। तीसरी आंख को एक ऊर्जा रूप की तरह विस्तृत रूप में स्थापित किया गया है। नमस्कार सद्गुरु, मैंने 10 साल पहले ध्यान करना शुरू किया था और कुछ साल के बाद मैं अपनी तीसरी आंख एक परफेक्ट आईबॉल को देख पाया। क्या यह असली है या मैं भ्रम में हूं? अब इसे समझने की जरूरत है कि जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, जरूरी नहीं कि वो इस तरह की एक और आंख हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। बात बस इतनी है कि आप जानते हैं वहां प्राणिक सिस्टम में हमने उन 72,000 नाड़ियों के बारे में बात की है। शरीर में इन 72,000 नाड़ियों के मिलने के 114 महत्वपूर्ण स्थान या जंक्शन पॉइंट हैं। जैसे इस बिल्डिंग में बिजली के तार बिछे हुए हैं, उसमें कई जंक्शन पॉइंट हैं जहां तार बड़े पैमाने पर मिलते हैं। शरीर में 114 जंक्शन पॉइंट हैं। आमतौर पर इन्हें चक्र कहा जाता है। चक्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है पहिया, लेकिन ये सर्किल या पहिए के रूप में नहीं है, ये हमेशा त्रिभुज के रूप में मिलते हैं। नाड़ियां हमेशा त्रिभुज के रूप में मिलती हैं और पूरी योग प्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि आप उनके साथ क्या करते हैं। तो इन 114 में से 7 को प्रमुख जंक्शन पॉइंट माना जाता है। तो ये 7 चक्र हैं जिनके बारे में आम तौर पर हर कोई बात करता है। ये आपके शरीर के कुछ खास हिस्सों में स्थित हैं। ये हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। मूलाधार का अर्थ है नींव। ये केंद्र भौतिक रूप से शरीर में आपके गुदा द्वार और आपके जननांग के बीच स्थित है। चिकित्सा विज्ञान में इसे पेरिनियम कहा जाता है। अगर आपकी ऊर्जाएं आपके मूलाधार में प्रबल हैं तो भोजन और नींद आपके जीवन के 2 प्रमुख लक्षण होंगे। ये आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होंगे, भोजन और नींद। अगर आपकी ऊर्जाएं आपके स्वाधिष्ठान में प्रबल हैं जो आपके जननांग के ठीक ऊपर स्थित है, तो यहां आप सुख खोजने वाले इंसान होंगे। सुख का मतलब जरूरी नहीं कि सेक्स और उस तरह की चीजें। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया का मजा लेना चाहते हैं, वो आप में प्रबल है। तो ऐसा व्यक्ति जो सुख खोजता है वो उस इंसान की तुलना में थोड़ी ज्यादा तीव्रता से जीता है जो सिर्फ भोजन और नींद के लिए जी रहा है। हाँ, तो ये जीवन की तीव्रता के बस अलग अलग स्तर हैं। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है, जीवन के विभिन्न आयामों को अनुभव करने की आपकी क्षमता जीवन के एक दायरे से दूसरे दायरे में चली जाती है। अगर आपकी ऊर्जाएं मणिपूरक में चली जाती हैं या अगर वो मणिपूरक में ज्यादा प्रबल हैं, तो आप दुनिया में एक कर्ता हैं। आप चीजें करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक व्यवसायी हों, हो सकता है कि आप एक राजनीतिज्ञ हों या ऐसा कोई जहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप कुछ करना चाहते हैं। अगर ऊर्जा अनाहत में चली जाती है तो ये सृजनात्मक केंद्र है। आप एक रचनात्मक व्यक्ति बन जाते हैं। शायद आप एक कलाकार हों या कम से कम आप में प्रवृत्तियां हैं। शायद आप हॉलीवुड में सफल नहीं हुए, लेकिन आप सिर्फ खाने पीने या बाहर मौज मस्ती करने से ज्यादा कुछ सृजन करना चाहते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं। आपके अंदर रचनात्मकता है। एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई कलाकार, आमतौर पर उनका जीवन दूसरे लोगों को थोड़ा पागलपन लग सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन की तुलना में वो जीवन को थोड़ा ज्यादा तीव्रता से अनुभव करते हैं। हाँ, ये तीव्रता का एक अलग स्तर है। अनाहत शब्द का अर्थ है बिना आघात का। ये आघात रहित ध्वनि है। ये नीचे और ऊपर के बीच का मिलन है।
जीवित रहने की आपकी सारी प्रवृत्तियां निचले तीन चक्रों में हैं। आत्मसंरक्षण मणिपूरक, स्वाधिष्ठान और मूलाधार में है। इन सबसे अलग होकर परे जाने की लालसा विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार में है। अनाहत मिलन बिंदु है, तो अनाहत के लिए प्रतीक दो त्रिभुजों का मिलन है। आपने वो देखा है, स्टार ऑफ डेविड, हर चीज अनाहत से आती है, वो अनाहत का प्रतीक है। दो त्रिकोण ऊपर की ओर और नीचे की ओर आपस में मिलते हुए, क्योंकि ये जीवन के दो अलग अलग आयाम हैं। एक आत्म संरक्षण को दर्शाता है, दूसरा परे जाने की लालसा को दर्शाता है। आपके सिर और दिल में परे जाने की लालसा है, लेकिन आपके शरीर में संरक्षण की लालसा है। तो अगर ऊर्जाएं विशुद्धि में चली जाती हैं, ये शक्ति का केंद्र है, आप जबरदस्त शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। जब मैं शक्ति कहता हूं तो जरूरी नहीं कि वो शारीरिक या आर्थिक या कुछ और हो। लोग कई तरह से शक्तिशाली हो सकते हैं, बस उनके खड़े होने के तरीके में कुछ लोग शक्तिशाली होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना? हाँ, देखिए, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप 10 लोगों को यहां खड़ा कर दें, जिस तरह से वो खड़े होते हैं, कुछ लोग शक्तिशाली होते हैं, कुछ नहीं। क्या ऐसा नहीं है? ये जरूरी नहीं कि ऐसा उनके काम के कारण हो, बस वो जिस तरह से हैं, उन्हें किसी चीज के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वो जिस तरह से हैं, बस उसमें ही एक शक्ति होती है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में पहुंच जाती है तो आपको बौद्धिक रूप से बोध प्राप्त हो जाता है। आप चीजों को स्पष्ट देख पाते हैं। आप हर चीज को उसी तरह देखते हैं जैसी वो है। एक बार जब आप हर चीज को उसी तरह देखना शुरू करते हैं जैसी वो है, तो आप शांति में होते हैं। तो आज्ञा को तीसरी आंख कहा जाता है, क्योंकि आप चीजों को उसी तरह देखते हैं जैसी वो हैं। ये दो आंखें बहुत भ्रामक हैं। वो आपको चीजों को वैसे दिखाती हैं जैसे आपके जीवन संरक्षण के लिए जरूरी है। वो आपको हर चीज को वैसे नहीं देखने देती जैसी वो है। जब आपकी ऊर्जा आज्ञा को छू लेती है, तो अब आप चीजों को वैसे देख रहे हैं जैसी वो हैं। हर चीज जैसी वो है। अब इसीलिए इसे तीसरी आंख कहा जाता है। सहस्रार सातवां चक्र है, जो शरीर में नहीं बल्कि शरीर के ठीक बाहर है। ज्यादातर लोगों के लिए ये निष्क्रिय है, ये सक्रिय नहीं है। अगर कोई साधना आपके जीवन में आती है, अगर आप इसे किसी खास तरीके से सक्रिय करते हैं या जीवन जीने के बहुत तीव्र तरीके से, ये सक्रिय हो सकता है। अगर ऊर्जाएं आपके सहस्रार में प्रवेश करती हैं, तो आप अकारण ही बेवजह परमानंद में आ जाते हैं। आप पागलों की तरह आनंदित रहते हैं। अगर आप भाव स्पंदन में आए, तो आप देखेंगे कि बिना किसी कारण के आप परमानंद में डूबे रहेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है, कोई बाहरी कारण नहीं, आप बस परमानंद में हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं सहस्रार को छू लेती हैं। From Mooladhara to Agna, there are many pathways as to how to get there, in a number of methods and teachings as to how to reach there. मूलाधार से आज्ञा तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, कई तरीके और शिक्षाएं हैं कि वहां तक कैसे पहुंचें। आज्ञा से सहस्रार तक कोई मार्ग नहीं है। अगर आप आज्ञा से सहस्रार तक जाना चाहते हैं, चूंकि कोई मार्ग नहीं है, तो इसीलिए बहुत से लोगों ने प्रचार कर रखा है कि पाने के लिए सर्वोच्च चीज शांति है, क्योंकि वो यहाँ अटक गए हैं। तो आज्ञा से सहस्रार तक कोई मार्ग नहीं है। यही मूल कारण है कि परंपराओं में गुरु पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि अगर आपको छलांग लगानी है, मान लीजिए यहां एक अंधेरा गड्ढा है, अगर आपको उसमें बस कूदना है, तो आपको या तो पूरी तरह से पागल होना चाहिए, या आपके पास असाधारण किस्म का साहस होना चाहिए, या आपको किसी पर इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर वो कहे कूदो, तो आप बिना किसी समस्या के कूद जाएंगे, वरना कोई संभावना नहीं है, है ना? चूंकि कई लोगों के लिए वो संभावना नहीं है, यही कारण है कि उन्होंने निष्कर्ष निकाल रखा है कि शांति परम लक्ष्य है, क्योंकि वो इसमें अटक गए हैं, ऊपर नहीं जा सके। इसे एक आंख के रूप में देखना सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ पद्धतियों, अभ्यास की कुछ पद्धतियों ने इसकी पूरी एक छवि बना डाली है। ये छवियां सिर्फ कागज पर नहीं बनाई गई थीं, उन्होंने इसके रूप स्थापित किए। ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। भारत में इसे प्राण प्रतिष्ठा का विज्ञान कहा जाता है। योग परंपराओं में
प्राण प्रतिष्ठा के इस विज्ञान को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है कि आप जो भी रूप चाहें उसे प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं और वास्तविकता बना सकते हैं। अभी मान लीजिए कि मैं एक भयंकर ड्रैगन स्थापित करना चाहता हूं ऊर्जा के लिहाज से। अब मैं ड्रैगन के लिए एक मंदिर स्थापित करूंगा और अगर आप वहां जाएंगे तो आपको ड्रैगन का गहरा अनुभव होगा, क्योंकि ड्रैगन का ऊर्जा रूप जीवित जैसा है, एक असली चीज की तरह। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का ये विज्ञान ऐसा है कि आप जिस भी रूप में चाहें उसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं और ऊर्जा को वो रूप धारण करा सकते हैं। तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए देवी देवताओं का सृजन किया गया था, उन्हें जिस भी तरह का रूप चाहिए था उन्होंने उसे बनाया। तो इस तरह लोगों ने साधना के लिए अलग अलग तरह की कई छवियां बनाई ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपके पास भी उसी तरह की एक है, लेकिन इसे कई परंपराओं में स्थापित किया गया है। तीसरी आंख को एक ऊर्जा रूप में विस्तृत रूप से स्थापित किया गया है। अगर कहीं पर आप इसके संपर्क में आ जाते हैं तो शायद आपको ये दिखने लगे, लेकिन ये दो अलग अलग तरह के योग हैं। एक है दायां हाथ योग और दूसरा बायां हाथ योग। दाएं हाथ योग में कोई कल्पना नहीं होती। अभी हम आपको जो प्रदान कर रहे हैं उसमें कोई कल्पना नहीं है। हम किसी तरह की कल्पना का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर आप कल्पना में चले जाते हैं तो आपको निरंतर देखभाल में होना चाहिए, किसी ऐसे की जो जानता है कि क्या चीज है, कोई ऐसा जो छवियों को हटा सके जब उनकी जरूरत ना हो, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि वास्तविकता कहां है और कल्पना कहां है। आप बहुत आसानी से बस काल्पनिक दुनिया में चले जाएंगे। तो यहां हम प्रज्ञा मार्ग का उपयोग कर रहे हैं, जहां कोई कल्पना नहीं है, बिल्कुल भी कल्पना नहीं है। बस खुद का उपयोग करें विकास के लिए। हो सकता है कि यह उतना रंगीन ना हो, लेकिन यह ज्यादा स्थिर है। आप खोते नहीं हैं। अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता रहता है, अगर एक कदम पीछे हटते हैं तो आपको पता रहता है, वहां आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बहुत रंगीन और उल्लासमय तरीके हैं। हम भी करते हैं, लेकिन लोगों के इस तरह के बड़े समूह के साथ नहीं। मैं भी उस तरह की चीजें करता हूं, लेकिन लोगों के बड़े समूह के साथ नहीं, क्योंकि लोग बहुत आसानी से काल्पनिक दुनिया में चले जाएंगे।